एंड इट हैज स्टार्टेड। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा सर लगा डे जी, हमें आज बड़ा मजा मजे के दो तीन काम करने। और अच्छा सर, व्हाट डू आई वांट टू डू? आई वांट टू डू द फॉलोइंग के लेट्स से ये मेरी मिडल ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है। मैं इस मिडल ऑफ द स्क्रीन के अराउंड साइन वेव प्रिंट करना चाहता हूं। साइन वेव कैसी होती है? यूं होगी, ठीक है, फिर यूं होगी और फिर यूं होगी। ये कितनी साइन वेव्स है? तो अभी हम जो बनाएंगे ना, वो इस तरह से बनाएंगे कि पूरी स्क्रीन के ऊपर सेंटर में भी समझे पास करेंगे। अच्छा, सर्कल के अंदर जब सेंटर भेजते हैं तो सेंटर रो होती है और सेंटर कॉलम होता है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर साइन वेव प्रिंट करेंगे तो हम सेंटर रो भेजेंगे, सेंटर कॉलम भेजेंगे। जो इस रो के अराउंड सर आपकी साइन वेव प्रिंट होगी, ये बात में। जो हमारी सेंटर रो है उसके अराउंड हमारी साइन वेव प्रिंट होगी, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो देखे ये तुम्हारा नाम क्या? बैठ बेटा, बताएं साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यार तुमसे पूछा है, ऐसे कोई चावल किस्म के बंदे हैं बेटा। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है और मिनिमम? माइनस, ठीक, सिंपल सी बात। अच्छा, अगर मैं कहूँ ना, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये मेरी सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, सुने बात गौर से, ओके जी, लुक एट दिस। ये लेट्स से कि ये मेरी मिडिल ऑफ द स्क्रीन है, और अगर मैं कहूँ ना कि इसके अराउंड साइन वेव प्रिंट कर दो, ठीक है, तो साइन वेव कुछ इस तरह की प्रिंट हो। बेसिकली वो प्रिंट करेगा ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और चलता 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 जब 90 पे आएगा ना तो वो ये प्रिंट कर, थोड़ा सा ऊपर, और फिर दोबारा नीचे चला जाएगा, और करते 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 जब वो -270 पे पहुंचेगा ना तो ये नीचे प्रिंट कर, और फिर दोबारा से वापस से चला जाएगा। क्या हो रहा है? ये साइन वेव तो नहीं एक जगह पे ऊपर होगा और -1 पे वो नीचे होगा, और बाकी ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। तो ये कुछ साइन वेव की तरह की दिखेगी नहीं, है ना। साइन वेव की दिखाने के लिए हमें बेसिकली जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमें इसका ये भेजना पड़ता है। ये क्या होता है? इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। साथ ने बड़ी अच्छी वीडियो भेजी थी, साइन वेव, साइन फंक्शन इज नथिंग बट कि अगर आप सर्कल को ड्रॉ करें तो जो हर वक्त जो उसका वाई कंपोनेंट होता है, जो उसका वाई कंपोनेंट होता है वो साइन, ठीक है, ये बात समझ आई। तो बेसिकली अगर आप इसकी इक्वेशन देखें तो ये बनती है, y इज इक्वल टू जी साइन थेटा मल्टीप्लाई बाय इट्स एम्पलीट्यूड। ये बात समझ आई? मल्टीप्लाई बाय इसकी एम्पलीट्यूड का मतलब क्या? कि इतना उसको बड़ा, ठीक है, ये बात समझ आई? जो कि सर्कल के केस में r होगा, इन जनरल अगर आप साइन वेव प्रिंट कर रहे हैं तो ये एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि साइन जो हमारी साइन वेव है उसका एम्पलीट्यूड 10 हो तो मैं यहां पर 10 भेजूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि साइन वेव बड़ी हो, 20 हो तो 20 भेजूंगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके।
अच्छा ऑफ कोर्स, एक और बड़ी जरूरी बात, मैं इस वाई को किसके अराउंड प्रेडिक्ट करना चाहता हूं, इस रो के अराउंड, ये जो भी रो है इसको मैंने क्या भेजा था, सी आर के नाम से भेजा था। तो क्योंकि मैंने ये जो वाई है इसको मैंने इसके अराउंड करना है, तो मैं यहां कर दूंगा प्लस सी आर। चीज है, इसका कोड कुछ भी मुश्किल नहीं, ठीक है, इसका कोड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूं। इसकी जो असल चीज है वो उसकी मैथमेटिक्स समझना, ओके, एंड दैट्स द मेन पॉइंट, ओके। अच्छा मुझे बात है, मैंने जब ये साइन वेव प्रिंट करनी है तो मैं इसको डायमेंशन भेजूंगा, ओके, मैं साइन फंक्शन को डायमेंशन भेजूंगा, तो मैं भेजूंगा कि ये जी इसकी कि इसकी ये सी आर, तो मैं इसको भेजूंगा और साथ में इसको ना कॉलम्स भेजूंगा। कॉलम्स क्या बताता है कि ये मेरी जो ये स्क्रीन है ये मेरी कितनी बड़ी, जिस पर मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं साइन वेव प्रिंट करूं और मैं साइन वेव एक प्रिंट करूं, मैं पूरी स्क्रीन के ऊपर एक साइन वेव प्रिंट करूं, ठीक है। अच्छा आप बताएं मुझे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और जो मेरे कॉलम्स हैं वो कहां जाते हैं, और मैं एक वेव दोनों साथ करके, ओके,
तो क्या होना चाहिए कि अगर ये एक स्टेप है तो वो कितने स्टेप है? दो दो स्टेप है, ओके। अब मैं चाहता हूं कि ये जब 100 स्टेप कंप्लीट करे तो ये 360 स्टेप कंप्लीट करे, ठीक है? तो अब जब मैं एक स्टेप करे तो थीटा में कितनी मूवमेंट होगी? 360 बार बार बात ना। तो इसका मतलब है इन जनरल हमारा प्रिंसिपल क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर एक कॉलम वाइज मूव करता हूं, एक कॉलम वाइज मूव करता हूं तो थेटा में जो मूवमेंट होगी वो मैं निकालता हूं तो वो बराबर होगी यानी डी थीटा, यानी जो स्केल फैक्टर है मेरा वो क्या होगा? वो बराबर होगा जी 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नाउ लेट्स Stop for a while. Pause for a while. ये मैं एक वेव दिखा, ठीक है? अच्छा, what if, मैं दो वेव दिखाना चाहता हूं। खामोश खामोश, दो वेव दिखाने का मतलब ये है कि एक्चुअली ये तस्वीर है। इमेजिन करेंगे अब मेरी पूरी स्क्रीन के ऊपर कितने एंगल दिखाए जा रहे हैं? 70 एक्चुअली नॉट 70 70 360 मल्टीप्लाई बाय कितनी नंबर ऑफ वेव्स है ना, और दिखाने मैंने अभी भी इसी स्क्रीन के ऊपर है। तो अब मेरा जो एक कॉलम में मूवमेंट है वो कितने थीटा के बराबर है? 720 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो एसेंशियली हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? नंबर ऑफ वेव्स। तो कितनी वेव्स मैं दिखाना चाहता हूं? मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय, ये मेरे एक कॉलम में मूवमेंट इज इक्विवेलेंट टू कितने थीटा। तो एसेंशियली जो मेरा लूप रहेगा वो तो कॉलम का रहेगा। मैंने कॉलम बाय कॉलम दिखाना है, इस कॉलम पे मेरे वाई की वैल्यू है, इस कॉलम पे मेरे वाई की वैल्यू है, इस कॉलम पे वाई की वैल्यू है, लेकिन उससे कोरिस्पोंडिंग जो मेरे थीटा में चेंज आ रही होगी वो चेंज आ रही है इसके साथ, ठीक है? मैं आपके सामने यहां पे मैं कहता हूं void, यहां मैं कहता हूं print, यहां कहता हूं sign वेव, बल्कि वेव नहीं वेव्स कर देते क्योंकि मैंने बहुत सारी वेव्स करनी है। तो क्या पास होगा बेटा? एक होगा एंट जी, बताएं एम्पलीट्यूड एंट डब्ल्यू, कितनी वेव्स हैं जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, और क्या होगा? सॉरी शाबाश, सी आर पास होगा, कितने कॉलम्स हैं ये पास होंगे, और कैरेक्टर सिंबल पास होगा, दैट्स इट, ठीक है? So, यहां पर हम देखें क्या करें जी, ये देखें। सो सबसे पहले तो काम करते हैं हम एक int d थीटा निकालते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा? बाकी int थीटा नहीं, फ्लोट नहीं होना चाहिए, हो सकता है वो फ्लोट में वैल्यू आ जाए, जिस तरह 3.6 आ गई थी हमारे केस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 360 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय कॉलम्स, ठीक है? एक मिनट चुप। अब हम करते क्या है, यहां पे लगाते हैं फॉर लूप, इंटीजर c इज इक्वल टू 0, c इज लेस देन कॉलम्स, यानी इतने बड़े स्प्रेड पे मैं दिखाना चाहता हूं, ओके? यहां पे मैं करूंगा C++, और यहां पे मैं करता हूं एक फ्लोट थेटा कर लेते हैं जिसकी शुरू में वैल्यू 0 है, और हर लूप की इंक्रीमेंट पे मैं थेटा प्लस इक्वल टू करता हूं क्या? डी थेटा, ओके? और यहां पे मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। कैसे निकालता हूं? ये मैंने ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है? यानी कि y, यानी कि बेसिकली y इज नथिंग बट क्या, रो या कॉलम? रो। तो यहां पे रो आ जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? जी a मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, लेकिन इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है? प्लस क्या हो जाएगा? सी आर,
और हम यहां लिखेंगे गो टू रो कॉलम, यहां पे लिखेंगे ये आर और सी हमने ऊपर दे दिया जो हमारा ट्रेवर्स कर रहा है बारी बारी, इस जगह गए, यहां जाके हमने सी आउट कर दिया, क्या सी आउट कर दिया बेटा, सिंबल को सी आउट कर दिया, ठीक है, एंड वी आर डन, ओके, देयर इज अ स्मॉल बग हियर, लेट्स सी इफ यू कैच इट, पिछली क्लास में हमारे 20 मिनट जाया हुए इसे करने के लिए, आई होप कि आपके नहीं होंगे, ठीक है, लेट्स सी, तो मैं कॉल करता हूं, अच्छा कोशिश कर रहा है कि ना कि यहां पे ना सबसे पहले गेट चला, आपने जिस स्क्रीन के ऊपर टेस्ट किया, जिस डायमेंशन के ऊपर टेस्ट किया आपका ठीक चल रहा है, तो आप यहां पर लिख भी दें, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं माय डायमेंशंस आर, जी हमारी रोज कितनी थी याद है आपको, 125/230 थी, ठीक है 237 है तो मैंने 230 दिखा दो, ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड मैं दो दो कम बताता हूँ, मेरी डायमेंशन ये है, ठीक है, इस पर मैंने टेस्ट किया, आप इसी के राउंड चेक कर लें, ठीक है, और हम करते क्या है, यहाँ पे इंट रोज बना लेते हैं जिसकी वैल्यू 125 है, और कॉलम्स बना लेते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 230, ठीक हो गया, यहाँ आ गए और यहाँ आके हम क्या करेंगे जी, हाँ यहाँ करेंगे प्रिंट साइन वेव, यहां पे हमने पहले भेज दिया कितनी एम्पलीट्यूड, मैं कहता हूं लेट्स से 20, ठीक है, और क्या भेजें, हाँ नंबर ऑफ वेव्स भेजनी है, लेट्स से पहले लेट्स से एक करते हैं, फिलहाल एक करते हैं, और यहां करते हैं कॉलम सी आर भेजने, तो वो हो जाएगा रोज डिवाइडेड बाय 2, यानी मिडल ऑफ द स्क्रीन में नजर आए, और कॉलम्स कितने हैं जी, ये हम कॉलम्स ही भेज देते हैं, और सिंबल हम भेज देते हैं क्या -37, करेक्ट, अच्छा ये मैं चलाता हूं, अच्छा पहले ना करते हैं ऐसे करते हैं नंबर ऑफ रो वेव एक नहीं भेजते, तीन भेज देते, ठीक है ये चलाते हैं, अच्छा ये थोड़ी डायमेंशन थोड़ी सी खराब आई हुई है, इसको मुझे थोड़ा ठीक करने दो, तो मैं नहीं ठीक नहीं है ना, फॉन्ट चेंज हुई हुई है ना, तो मुझे रास्टर फॉन्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ जाके रास्टर फॉन्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं 8x8 करता हूँ, और यहाँ जाता हूँ, ये इसका फॉन्ट मुझे कम करना पड़ेगा 8x8 का, ठीक है, तो यहां से ये हो गया और ये हो गया, तो इसका इससे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की आप क्या करें, इसके फौरन बाद भी अंडरस्कोर गैश लगा दें, ठीक है, तो कंट्रोल F5 मैक्सिमम, क्योंकि हमारी जब हम एक्सिस की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, तो रो तो हमारी ऊपर की तरफ है, लेकिन हमारी जो कंसोल है उसमें रो नीचे की तरफ एक्सपेक्ट है, तो हम क्या करें, ये जो हमने साइन वेव प्रिंट की है इसको हम मल्टीप्लाई बाय -1 करते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल F5, यू कैन सी दैट मैक्सिमाइज किया, ये मैंने किया साइन वेव, साइन वेव कितनी प्रिंट करने को कहा था, कितनी प्रिंट करने का, 3, ये कितनी हो रही है, और मैंने टेस्ट करने के लिए पहला काम ये किया कि मैंने कहा यार ये हो सकता है इसका मसला हो, तो मैंने ना इसको नंबर ऑफ वेज को 1 कर दिया, और ये देखें ये आया, बच्चे ने कहा सर जी डीबग करें छोड़े, ठीक है, और कहा चलो यार डीबग करते हैं, ठीक है, बच्चों ने कहा जी सर यार ये जो है ना ये हमने ये गलत कंप्यूट किया, इसको उल्टा कर दें, कॉलम डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ये था सारा वो सारी डिबेट करने के बाद पता लगा, मैं उनको समझा रहा हूँ नहीं भाई तुम चवले मार रहे हो, लेकिन नहीं जी नहीं सर आपने उल्टा करके तो देखें ये क्या क्या जरूरत है इस तरह की चीज टेस्ट करने की, ठीक है, लेकिन लेट्स लुक एट, मैं यहाँ पे कंट्रोल F10 दबाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ये छोड़ा, यहाँ आ गया, ठीक है, और आप वैल्यू कंप्यूट करते हैं, ये मैंने इसकी वैल्यू आनी चाहिए, और यहां पर वैल्यू आ रही है ये देखें
क्या वैल्यू आ रही है? डेल्टा की वैल्यू आ रही है 1.000 यहाँ पे वैल्यू बेटा आ रही है डेल्टा में वैल्यू निकाल रहे हो 1.000 आ रही है ये बोला था 360 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू ठीक है वही है 360 डिवाइड बाय कॉलम्स करें और कॉलम्स कितने हैं 225 तो 360 मतलब ये इंटीजर है डिवाइड बाय इंटीजर हो रहा है तो ये इंटीजर डिजिट हो रही है और असाइन बेशक आप अब मैं चलाऊंगा ये ले मेरी साइन पे और अब मैं ये भी कर लेता हूं यहां पे मैं साइन इसकी जगह 3 भेज देता हूं ये देखें जी मेरी 3 साइन ठीक है मेरी 3 साइन मैं काम करने लगा हूं ये मैंने साइन में प्रिंट कर दिया ठीक है तो मैं अब आप थोड़ी सी कुछ गेम खेलने लगा आपने बताना है इसका ठीक है ये मैंने मिड टर्म एक सवाल दिया था तो लेट मी सी कि आप ये कर पाते हैं कर समझ आप ये समझ पाते हैं नहीं मैंने ये किया कंट्रोल सी यहां लिखा मैंने वाइल यहां लिखा मैंने ट्रू ओके यहां मैंने ये किया अभी तक तो बड़ी सिंपल सी चीज हो रही है अभी तक तो कोई मसला नहीं थी क्या किया सर साइन में प्रिंट की और अच्छा यहां पे मैंने स्लीप लगाया और स्लीप में मैंने लेट से 10 लगा दिया ठीक है तो क्या हुआ अच्छा अब मैं एक चीज करने लगा ये देख ये जो साइन वेव है ना इसको ना मैं एक इंटीजर शिफ्ट भेज रहा हूं उसको इतना शिफ्ट कर अच्छा इससे इसके नतीजे में क्या होगा नतीजे बड़ा सिंपल सा काम होगा कि मैं यहां पे बड़ा सिंपल सा काम करता हूं कि यहां पे जीरो से शुरू नहीं करता बल्कि शिफ्ट से शुरू करता ओके अब मैं जाता हूं मेन में और मेन में जाके मैं काम करता हूं देखते जाइएगा एंट शिफ्ट इज इक्वल टू जीरो ये मैंने यहां पे किया यहां पे मैंने शिफ्ट भेजा यहां पे भी मैंने शिफ्ट भेजा यहां गया और शिफ्ट प्लस प्लस कर दिया एक्चुअली ये पहले तो जीरो से साइन वेव बनाएगा फिर वन से आगे कोई साइन वेव बनाएगा फिर टू से आगे कोई साइन वेव बनाएगा
okay, look at this. एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे हमने ये जीरो किया, एक तो इसकी मैं लेंथ को थोड़ा सा टू कर देता हूँ, यानी के दो कर देता हूँ, और दूसरा ये कर देता हूँ कि ये स्लीप जो है ना वो 0.01 कर देते, ठीक है। सो हमारा स्नेक, आई होप एवरीबॉडी कि आप यहां जाएं, इस स्क्रीन के चार हिस्से करें, वाओ, ये चार हिस्से करें इसके, पहली जो भी वेव है वो चाहे यहां से स्टार्ट होती है, शायद मैं एक छोटा सा और काम भी कर सकते हैं, एक मिनट सॉरी, व्हाट इफ कि मैं एक छोटा सा एक और काम करूं, वो ये मेरा स्नेक हो रहा है प्रिंट, है ना, व्हाट इफ कि मैं एक काम और करूं, वो ये कि मैं ए प्लस इक्वल टू 0.01 कर दूं, तो एक मिनट रुकते जाए, ये जो मैंने इंट ए लिया है ना, इसकी जगह मैं फ्लोट ए ले लेता, अच्छा कैन एनीबॉडी बड़ी गैस के क्या हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्या हुआ है, कि अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्लोप बढ़ा दूं तो वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ओके, ऑल राइट जी, सो मैं ये चाहता हूं कि ना मेरी एक वेव यहां नजर आए, एक मेरी और वेव हो जो लेट्स से इतनी छोटी हो, व्हाटएवर, ठीक है, और एक यहां पे एक वेव हो जो इन दोनों का कि अगर आप ये क्वेश्चन देखें, तो साइन लेती है ना, तो बेसिकली इंटरफेरेंस वाली आप लेंगे उसके अंदर ये एक वेव लेंगे बल्कि दो वेव से आप लेंगे, तो पहले का शिफ्ट यानी शिफ्ट वन एम्पलीट्यूड वन नंबर ऑफ वेव माना उसका सेंटर वन है, तीसरा आप बेसिकली खुद कंप्यूट कर ले, आप वो भी पास करो, ओके, और बड़ी सिंपल सी बात है, इन द पहली दफा जो भेजना है उसको आपने रोज डिवाइडेड बाय 4 भेजना है, सेकंड आपने इसको रोज डिवाइडेड बाय 2 भेजना है, और थर्ड है वो कंप्यूट 7.5 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
और बेसिकली जल्दी गेयर वेव आपने ऐसे नहीं कर देनी, इसी के नीचे और हो जाएगा जिसके अंदर डिफरेंस क्या हो, इसी के नीचे एक और लूप लगेगा, इसी के नीचे आपने बेसिकली एक और लूप लगा देना, वो क्या होगा उसमें भी एग्जैक्ट सेम लूप होगा, द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे शिफ्ट की जगह शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 की जगह शिफ्ट 2 आ गया, ओके। और यहां पे क्या आ गया, यहां पर इसका यहां ए1 आया होगा या थीटा 1 आया होगा, थीटा 0 हो जाएगा, यहां पे सी1 आ गया, ओके। और सेकंड वाले के लिए क्या होगा, यहां ए2 आ जाएगा और सी2 आ जाएगा, ओके। और इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो इंटरफेरेंस होगी उसमें क्या होगा, मेरा बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। अगर आप फॉन्ट साइज बहुत छोटा कर देंगे बहुत अच्छा, अगर आप फॉन्ट साइज बड़ा रखेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, फॉन्ट साइज छोटा रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मेरा ख्याल, मेरा ये गैस है, ठीक है। मैंने नहीं चेक कर, तुम चेक करके अपलोड कर देना, ठीक है, सही है। ओके जी, वी आर डन विद दिस, ओके। कोई सवाल नहीं आपका, अच्छा आपको मैं याद कर बताता हूं, फाइनल एग्जाम में मैंने सवाल दिया था, पिछली दफा नहीं, 2019 में जब लास्ट टाइम मैंने सीट पढ़ाई थी, सुने बात गौर से, उसमें हमने फाइनल में एक सवाल दिया था, और सवाल कुछ इस तरह का था कि आपने एक करेक्टर बनाना है, वो करेक्टर ये होगा, इसके ऊपर यहाँ पे एक सर्कल बना होगा, यहाँ पर इसकी ये टांगे होंगी, ठीक है, और इस पर जो भी आपने बनाना है, यहाँ पे ये बना दें, ये बना दें, ये बना दें, ये बना दें, और इसके जो हाथ है ना वो क्या है, एक साइन वेव, ठीक है, और ना ये साइन वेव को यूं हिला रहा है, ठीक है, ये हिलाने का मतलब क्या है, उसके आपका पहला सवाल फाइनल एग्जाम का ये होगा, पहले बताओ, ठीक है, ठीक है, चले जी। और ऑफ कोर्स आपको असाइनमेंट आ गई होगी, वो आपने देख ली होगी, देख लिया, अच्छा जी, पहला सवाल हमने डिस्कस कर लिया, ओके। अच्छा अब मैं जो अगला बड़ा मजे का सवाल कर रहा हूँ ना, ये सुने बात गौर जी, यार प्लीज सुन, ओके। Now I want to do the following. मैं चाहता ये हूं कि मैं ना एक स्क्वायर बनाऊं, इमेजिन दिस इज अ स्क्वायर, तो ये ऑड ले, ऑड बाय ऑड का स्क्वायर होगा, यानी कि ये हो गया, ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, और एक और बना लेते, और यहां पे भी साथ कर लेते हैं, एक दो तीन
चार, पांच, छह, सात. ओके. एंड नाउ लेट्स डू द फॉलोइंग. मैं कुछ बड़ा मजे का काम करना चाहता हूं. मैं इसमें नंबर रखना चाहता हूं. एक छोटी सी बात देखें तो ये क्या है, ये ऊपर वाला एक एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक और स्क्वायर है, उसके अंदर एक और स्क्वायर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना. तो अगर मैं देखूं तो जो ऊपर वाला स्क्वायर है वो कितने बाय कितने डायमेंशन का है, ऊपर वाला यहां पर भी सेवन है और यहां पर भी सेवन है, तो ये कितने बाय कितने का होगा, सेवन बाय सेवन का होगा. अच्छा, जो अंदर वाला रेक्टेंगल है जो ये यहां से लेकर इस पोर्शन में है जी, इसके बारे में बताएं कितने बाय कितने का है. वाई ये कितने बाय कितने का होगा बेटा, बताएं. सिक्स बाय सिक्स का होगा. कौन कह रहा है सिक्स बाय सिक्स का होगा, ये क्यों सिक्स बाय सिक्स का सर, कौन कह रहा है. तो एक्चुअली जो सेकंड रेक्टेंगल होगा वो कितने बाय कितने का होगा, वो होगा फाइव क्रॉस फाइव, और जो उसके अंदर होगा वो कितने बाय कितने का होगा, थ्री बाय थ्री का. जो उसके अंदर होगा वो कितने होगा, वन बाय वन का. तो इस तरह का रखता है, इस तरह का मेरे पास एक शेप. अच्छा, मैं क्या करूँ, पहले तो मैं कोई काम नहीं करूँ, इसको निश्चित करता हूँ. मैं बड़े फास्ट तरीके से इसको निश्चित करता हूँ. और अगर इस तरह से इस तरह किया, मैं चाहता हूँ कि यहां मैं लिखूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ठीक है, अच्छा देखिए मैं क्या करता, मैंने पहले से शुरू किया आप ही देखिए. ठीक है, मैंने पहले से शुरू किया है लेकिन आखिरी नहीं लिखा. ओके, अब मैं कॉलम वाइज नीचे आता हूं, उसमें भी मैं यही करना चाहता हूं. क्या ये देखे जी, जी सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, यहां पर रुक गया. क्योंकि मैंने जी थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और ये है एटीन, यहां पे मैं आकर रुक गया. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, 20, 21, 22, 23 और ये हो जाएगा 24. कैन यू गेस व्हाट्स द फॉर्मूला, तो एक्चुअली इसकी जो लेंथ होगी ये कितना कितने काउंट तक जाएगा, वो आएगा डिम माइनस वन मल्टीप्लाई बाय फोर. ओके, और डिम कितनी है, सेवन है, तो ये आ जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर, दैट इज इक्वल टू 24. जो अगला रेक्टेंगल होगा अगर मैं दोबारा वहां से शुरू करूं तो कहां तक जाएगा जी बताएं, डायमेंशन उसकी कितनी है, फाइव है, तो वो कहां जाएगा,
जी, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर दैट इज इक्वल टू 16. लेट्स चेक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and then 16. Can you guess for the next one? ठीक है, it's very obvious. And that should be what? That should be, क्योंकि वो 3 बाय 3 का है, तो वो आ जाएगा 2 क्रॉस 4. तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. और दरमियान वाले में हम 0 लिखते हैं. So let's do this first. Okay? ये मैं initialization कर रहा हूं. मैंने अब एक 2D array बनाऊं और उसके अंदर मैं ये initialization कर रहा हूं. I hope everybody understand. Okay? ठीक है? जस्ट के बाद का टास्क भी बताता हूं आपको. ये पहला काम तो ये मैं हमारा इससे इसे initialize करवा रहा हूं. दूसरा जो बड़ा जबरदस्त काम वो ये है कि मैंने कुछ इस तरह बना दिया है कि मैं आउटर रेक्टेंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूं और फिर इनर रेक्टेंगल को एंटी क्लॉकवाइज और फिर उससे अगले अंदर वाले को क्लॉकवाइज और जो आखिरी वाली सेंटर होगा वो कहीं होगा. ओके, इट्स लाइक अ सेंटर. ओके, ये बात समझ आई? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. ओके, सही है? जो कहता हूं उसे काम नहीं, मैं बताऊंगा तो आप कहने ओ ये तो बड़ी सिंपल सी बात. एक बात सुन ले, बड़ी सिंपल सी बात बताऊं. प्रोग्रामिंग ना, प्रोग्रामिंग जो है ना, उसमें अगर आप प्रोग्राम को सोच रहे हैं उसमें काफी अगर कॉम्प्लिकेटेड जो कि विजुअली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, जब तक के आपके एल्गोरिथम में सिंपल तरीन ना हो तब तक इसका मतलब यह कि आपने आइडिया सोचा ना हो इतना क्रिस्प नहीं. ओके, चलिए इसके और बना सकते. अब देखिए हमने कन्वेंशन वाली बात की है ना कि मैंने वहां से लेकर यहां तक छोड़ा है, अभी यहां भी यहां तक छोड़ा है. इसने चीजों को इतना यूनिफॉर्म कर दिया कि अगर मैं इसको यहां पर ले जाता तो मुझे सारी इसमें लगानी, यहां पर मैं यहां तक आता ठीक है, फिर यहां से शुरू करता, फिर यहाँ शुरू करता है, यहाँ पे मैं काम करना पड़ता, सारे मुझे दिमाग खराब होता है. ओके, लुक एट दिस, लेट्स ट्राई टू डिजाइन दिस कि अब ये बनाना चाहते हैं. ओके जी, सो लेट मी मेक दिस. इसका था ये मेन था, मेन ऑफ साइन था ना, इसको मैं छुपा देता हूं. All right, Jidraj. Void. पहला फंक्शन इसको लिखता हूं इनिशियलाइज. ओके, और इनिट का नाम है जी, इसको एक 2D वर्ल्ड पास होती है तो मैं कहता हूं मैप, या इसको बॉक्स कहते हैं. और बॉक्स के लिए हम एक हैश डिफाइन यूज करते हैं, इसका नाम लेते हैं मैक्स. मैक्स डिम, डिम मीन्स डायमेंशन, और इसकी वैल्यू ऑड होनी चाहिए. ओके, तो लेट्स से मैं कहता हूं 7 कर लेते हैं, हमने 7 यूज किया ना, बढ़ा भी सकते हैं आप. और यहां पे हमें हम लिख देते हैं मैक्स डायमेंशन, ठीक है, और यहां पे हम एक्चुअल डायमेंशन बाहर दे देते हैं कि मैं उसमें से यूज कितनी कर रहा हूं. ठीक है, ठीक है, आई होप कि ये मैंने आपको सही बता दिया, आपको समझ में आ गया मैं क्या बात कर रहा हूं. यहां पे मैंने एक एंट बनाई, यार उसे कहो यार पंखा चला दे यार, मुझे समझ नहीं आती बात. बॉक्स कर दिया, यहां पे मैं मैक्स डायमेंशन बाय मैक्स डायमेंशन कर देता हूं. ठीक है, इसको बेशक हम 100 कर देते हैं, लेकिन जो हम यूज करेंगे वो एक्चुअल डायमेंशन जो होंगी वो कितनी होंगी, वो होंगी कितनी, 7. ओके, इसको मैं शुरू में इनिशियलाइज कर देता हूं किससे, इससे. इससे क्या होगा, सारी जीरो से इनिशियलाइज. ओके, और अब मैं इनिट कॉल करना चाहता हूं जिसके अंदर मैं बॉक्स भेज दूं और यहां पे मैं डायमेंशन भेज दूं
और एक साथ ही एक वॉइड प्रिंट लिख देते हैं, और प्रिंट में भी हम एग्जैक्टली यही भेज देते हैं, ठीक है, और इसको हम प्रिंट करवा देते हैं. फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन कितना हो जाएगा जी, डायमेंशन आई नहीं बल्कि इससे कर देते हैं रो, और ये भी हो जाएगा रो, और ये हो जाएगा आर प्लस प्लस. फॉर लूप इंटीजर सी इज इक्वल टू जीरो, सी इज लेस देन डायमेंशन सी प्लस प्लस, ठीक है, सी आउट. अच्छा इसमें अगर आप देखिए मेरे नंबर आ रहे हैं वो 1 से लेकर कहां तक आ रहे हैं, 24 तक आ रहे हैं, तो इसलिए 2 डिजिट नंबर है ना, तो मैंने स्पेस भी डालनी है, तो ऐसे करते हैं यहां पे मैं लिख देता हूं सेट डब्ल्यू, और यहां पे मैं 3 भेज देता हूं, और यहां पे मैं बॉक्स की ith वैल्यू प्रिंट करवा देता हूं, और यहां पे मैं सी आउट हैंडल कर देता हूं. ऑफ कोर्स यहां पे आई नहीं आएगा, यहां पे आर और यहां पे सी आएगा, ठीक है. ठीक है, तो अब हम इनिशियलाइजेशन करवाते हैं. इनिशियलाइजेशन करवाने के लिए मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा इंटीजर जी. पहले अगर आप देखें तो मैंने ऐसे जाना, तो मैं एक कलर्स ले लेता हूं, लेट मी टेक रेड कलर. तो मैं पहले ऐसे जाना चाहता हूं, है ना, तो मेरा सी है जो कि कहां से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, डायमेंशन माइनस टू तक जा रहा है, वाई टू तक. तो हम यहां जाते हैं, यहां पर लिखते हैं सी इज इक्वल टू, जीरो से शुरू किया मैंने, सी इज लेस देन डायमेंशन माइनस वन किया मैंने, ठीक है, लेस देन, वरना आमतौर पर तो हम सी इज लेस देन डायमेंशन कहते हैं, लेकिन यहां पे हमने सी इज लेस देन डायमेंशन माइनस वन पाया, तो आखिरी प्रिंट करना किसी काम नहीं है, वो बड़ी का लगा काम, ओके ओके. उसके बाद हम करेंगे क्या, हमने बेसिकली करना सिर्फ ये है कि हम बॉक्स के सी तो ये है, रो कौन सी होगी, रो जीरो होगी, है ना, जीरो तो रो पे जाएंगे, और सी ये वाला है, इस जगह जाके रखवा देंगे काउंट, और काउंट रख देते हैं काउंट इज इक्वल टू जीरो, बाकी नहीं वन एंड, और यहां जाते हैं, यहां पे जाके काउंट रखवा देते हैं, और साथ ही काउंट में इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो बेशक यहां कर दो या लूप के अंदर कर दो, यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर भी कर सकते हैं, या अगर आपने यहां नहीं करना तो आप बेशक यहां कर दें, ठीक है, जहां आपको अच्छा लगे, ठीक है, ठीक है. अगर मैं सोच रहा हूं पूरा पहली रो भी पूरी नहीं आएगी, उसकी आखिरी कैरेक्टर पे क्या पड़ा हुआ होगा, वर्टिकली नीचे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप इंटीजर, अब मुझे आर में डिक्रीमेंट करना, तो आर मेरा शुरू होगा जीरो थ्रो से, आर इज लेस देन कहां तक जाएगा, डायमेंशन माइनस वन तक ही जाएगा, और आर प्लस प्लस होगी, क्यों कोई बता सकता क्यों, क्योंकि इसने जब प्रिंटिंग शुरू करनी है तो यहां से करनी है और यहां तक जाना है, आखिरी पे नहीं जाना, आखिरी वाली ओके तो यहां गए, यहां जाके हमने बॉक्स के आर और कॉलम कौन सा है, ये वाला, वो है लास्ट वाला, यानी के क्या हो जाएगा जी, कॉलम्स माइनस वन, और ऑफ कोर्स हमें डिम माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, काउंट, और ऑफ कोर्स हमें यहां पे काउंट प्लस प्लस कर, ठीक है. अब हम आगे चलते जी, फॉर लूप इंटीजर, इधर आ जाए जी. अब मैंने ये जाना है, अब मैं यहां से इधर जाना चाहता हूं,
बल्कि नहीं आखिर तक नहीं जाना, मुझे मुझे यहां तक जाना, ठीक है। तो मैंने ऑफ कोर्स कॉलम में डिक्रीमेंट करना है। शुरू कहां से करना है? डिम माइनस वन से शुरू करना है। सी इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो नहीं होगा, और यहां पे होगा सी माइनस माइनस, और यहां करूंगा क्या होगा, बॉक्स के रो कौन सी होगी, लास्ट यानी डिम माइनस वन, और यहां क्या आएगा, यहां पे आएगा सी। इस जगह क्या रखवा दो, काउंट रखवा दो, एंड डू नॉट फॉरगेट के काउंट में तो हमने इंक्रीमेंट कर, ठीक है। फिर फॉर लूप आएंगे, इंटीजर आर इज इक्वल टू, हां जी कहां शुरू होगा, डिम माइनस वन से शुरू होगा। आर इज ग्रेटर देन जीरो, आर प्लस प्लस, जीरो से क्यों, क्योंकि यहां से जाना है इसने कहां तक, यहां तक जाना, आखिर तक नहीं जाना, ठीक है। और काउंट भी प्लस प्लस कर देते हैं, यहां गए बॉक्स के आर, और कॉलम होगा हमारा जीरो, फिर जाके क्या रखवा देंगे, काउंट रखवा देंगे। और अगर मैं इसको चला लूं, क्या ज्यादा आर माइनस वन, कंट्रोल एफ फाइव। अच्छा एक छोटा सा मसला हो गया, और मसला ये हो गया है कि मैंने यहाँ पे जो इंट करवाया, यहाँ पे मैं गेट करवा देता हूँ, और एक काम हम और करते हैं कि एक एक मिनट, यहाँ पे भी हम अंडरस्कोर गेट यूज़ कर लेते हैं, और कंट्रोल एफ फाइव, और इसकी ना फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि फॉन्ट अब ये बहुत छोटा है इसकी, तो मैं यहाँ पे कोई और फॉन्ट ले लेता हूँ कंसोलाज, और यहाँ पे ले लेता हूँ लेट्स से 28, और ये कर देते हैं, तो प्रिंट कॉल कर लेते हैं जी, प्रिंट, और प्रिंट में बेटा क्या भेज देंगे, बॉक्स और डायमेंशन, कंट्रोल एफ फाइव, ठीक है। अंदर वाले आप सुने मेरी बात गौर से ना, आपकी जो हैंडलिंग जो के शेप प्रिंटिंग की जो डिजाइन के आपके मैं तो वही काम अभी यहां पर अच्छा मेरी बात गौर से, ठीक है। ये आप खुद फिगर आउट करेंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी से करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको खुद करें, ओके। अच्छा सुने बात गौर, ये देखे जी इस तस्वीर में वापस आते हैं। अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा आउटर रेक्टेंगल है वो मेरा रेक्टेंगल नंबर जीरो है, और ये मेरा रेक्टेंगल नंबर जीरो है, और ये वाला जो मेरा रेक्टेंगल है वो मेरा आर इज इक्वल टू वन है, और ये वाला जो मेरा रेक्टेंगल है वो मेरा आर इज इक्वल टू टू है, ठीक है। अच्छा मैं आपको कुछ बारे में बता देता हूं, मैं चाहता हूं ट्राई टू डिस्कस, मैं सिर्फ ये काम या मैं ये इनिशियलाइज करवाऊंगा, या मैं ये इनिशियलाइज करवाऊंगा, या मैं ये इनिशियलाइज, ठीक है। और मैं जो इस वक्त करने लगा हूं वो जो इनिशियलाइज करने लगा हूं वो मैं ये करने लगा, ओके। अगर ये करेंगे तो क्या होगा, और से देखें होना ये चाहिए कि यहां से लेकर यहां तक इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है। दूसरे वाले में यहां से लेकर यहां तक इनिशियलाइज हो जाए, तीसरे वाले में यहां से लेकर यहां तक, बाकी सब जगह पे क्या पड़ा होगा, ओके। दैट इज व्हाट आई वांट, ओके। तो पहली बात तो ये थोड़ी बताएं कि इसमें नंबर ऑफ टेंगल्स कितने, सेवन अगर हैं तो तीन है, एक्चुअली तो चार हैं, लेकिन तीसरे को चौथे को मैंने नहीं देखा है ना। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो मेरे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो बनते हैं वो जीरो वन और टू बनते हैं। तो जो मेरा लूप लगेगा इसके ऊपर इनिशियलाइजेशन का,
वो बनेगा, ये देखें गौर से देखें, मैं यहां आ रहा हूं और थोड़ी सी गलती होगी पर वो आपने आपने मेरी ठीक करनी है, ठीक है, और मैं बता रहा हूं गलती होगी। मैं यहां जाता हूं, इस पूरे के पूरे कोड को मैं यहां से इंडेंट कर रहा हूं और यहां से मैं एक फॉर लूप लेके आ रहा हूं। आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज लेस देन डायमेंशन डिवाइडेड बाय टू, और यहां हो जाएगा आर प्लस प्लस। अच्छा अब दोबारा एक चेक भी कर लेते हैं, अगर डायमेंशन की वैल्यू, एक बात सुने, अगर डायमेंशन की वैल्यू सेवन हो तो सेवन डिवाइड बाय टू कितना होता है, थ्री होता है, तो जीरो चलेगा, वन चलेगा, टू चलेगा और थ्री नहीं चलेगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, फास्ट चार्जिंग डिवाइस चलना चाहिए, ओके। अच्छा अब सवाल ये है कि इसमें क्या चेंज आएगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मेरा पीस ऑफ कोड है ये कौन सी इनिशियलाइजेशन करे, ये आर एच रेक्टेंगल की लेफ्ट टू राइट इनिशियलाइजेशन, ओके। तो पहला सवाल तो ये है, जो सवाल आपने करने हैं गौर से सुने, क्या क्या इसने रेक्टेंगल की टॉप जो है वो इनिशियलाइज करनी, ओके। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, पहला सवाल तो आपने आपसे काफ से करना है, से शुरू कहां से करना है, एंड कहां पर करना है, यानी कि जो कॉलम में मूवमेंट होनी है वो जब आरएथ रेक्टेंगल चल रहा हो तो कहां से शुरू हो और कहां खत्म, ओके। अब मुझे सवाल का जवाब दें, ये मुझे फिल करके बताएं, ये मेरा एक टेबल बनेगा जिसमें यहां पर आएगा रेक्टेंगल नंबर यानी आर, और आपने मुझे बताना है कि इसका कॉलम शुरू कहां से होता है और कॉलम एंड कहां से होता है, डिपेंडिंग अपॉन के मेरे आर की क्या वैल्यू है। और एक और जरूरी बात, इसकी जो जो फिक्स्ड रो होती है वो क्या होती है, ओके, फिक्स्ड रो जो होती है वो क्या होती है, मतलब ये कि अगर आप गौर से देखें, अगर रेक्टेंगल नंबर जीरो है तो इसकी रो कौन सी बनती है, जीरो बनती। अगर रेक्टेंगल नंबर वन है तो इसकी रो कौन सी बनती है, वन बनती है, जो फिक्स रहती है हमेशा, है ना। तो इसका मतलब है अगर मैं जनरल पैटर्न देखूं तो रेक्टेंगल नंबर अगर आर है तो रो नंबर जो है वो आर हो। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, कॉलम के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, अगर आप टॉप टू बॉटम की बात करें तो जब पहला रेक्टेंगल होता है तो ये इसकी रो क्या होती है, जब ये रेक्टेंगल नंबर वन होगा तो ये जो टॉप बटन होगा कौन सा वाला होगा, डायमेंशन माइनस वन माइनस वन, कैन यू सी पैटर्न, फिगर आउट बाय योरसेल्फ, ओके। अच्छा अब सवाल सिर्फ ये है कि जो इसका कॉलम स्टार्ट है वो क्या होना चाहिए, जब ये पहली दफा शुरू करता है तो ये जीरो से लेकर कहां तक जाता है, ये जाता है डिम माइनस वन माइनस वन तक, ओके, यानी डायमेंशन माइनस टू तक जाता, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके। तो मैं ऐसे कहता हूं डायमेंशन माइनस टू ही लिखते हैं, डायमेंशन माइनस टू ही लिखते, ठीक है। अच्छा आगे आ जाए, जब रेक्टेंगल नंबर वन होता है तो ये यहां से शुरू होता है, यानी कि ये वन से शुरू होता है और जितनी दफा पहले गया था उससे एक कम तक, यानी डायमेंशन माइनस टू माइनस वन तक, कैन यू सी पैटर्न, डायमेंशन माइनस टू। तो एक्चुअली जो जनरल पैटर्न बनता है वो ये बनता है कि ये आर से ही शुरू होगा और ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डेम माइनस टू माइनस आर, दैट्स इट। सो ये हमारा पैटर्न बन गया, तो ये आ जाएगा आर से शुरू होगा, डायमेंशन माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। अगर बेसिकली इसको अगर आपने इक्वल टू तक चलाना है तो यहां पर आप क्या कर देंगे, माइनस टू कर देंगे, ठीक है, एंड दैट्स इट, ओके। और जो रो फिक्स होती है वो कौन सी होती है, आरथ रो होती है, ठीक है। और अब मैं बाकियों को अगर कमेंट कर दूं कंट्रोल के सी तो किस चीज की इनिशियलाइजेशन हो जाती है, क्या जीरो पर। तो कंट्रोल कंट्रोल है फाइव, क्या बात,
हेड्स अप बड़े कोई डैश है ये देखें जी व्हाट्स द प्रॉब्लम नहीं बाहर किया हुआ मैंने काउंट को यहां इनिशियलाइज किया एक्चुअली हर रेक्टेंगल के लिए उसकी दोबारा से इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए मतलब यह कि यहां क्या होना चाहिए यहां ये होना चाहिए ठीक है तो ये काम हो गया जी नाउ प्लीज साइलेंट जी साइलेंट अच्छा ये आई होप के बाकी इनिशियलाइजेशन आप खुद कर लें क्या अगर आपने आपसे मैं सवाल करूं दोबारा अच्छा अब मेरा आपसे सवाल है और सवाल ये है यार इसमें कंट्रोल जी होता है इसको इरेज करते हैं हाँ अंडू नहीं कर सकते अब बेड़ा गर्क इसमें कंट्रोल ही नहीं होता ओके लुक एट द बोर्ड प्लीज क्या प्लीज बात सुनो आई वॉन्ट टू डू द फॉलोविंग इमेजिन करें कि ये आपके रेक्टेंगल में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कहां तक आता है 12 फिर होगा 13, 14, 15, 16, 17 और यहां आएगा 18 और फिर आएगा 19 20, 21, 22, 23, 24 अगर मैं सिर्फ ये काम कर दूं सुने बात गौर कि मैं ये इधर रखवाऊं ये इधर रखवाऊं फिर ये इधर रखवाऊं फिर ये इधर रखवाऊं फिर ये इधर रखवाऊं फिर ये इधर रखवाऊं एंड सो ऑन सो फोर्थ हम ये नहीं करेंगे हम क्या करेंगे अब गौर से सुनते देखेंगे क्या करो मैं ना एक टी वेरिएबल लूंगा जिसका नाम होगा टेम्प उसके अंदर ना ये आखिरी वैल्यू रखवा दूंगा क्या रखवा दूंगा 24 ठीक है और मैं पता कर सुने बात गौर कोई गेस कर सकता
आप बताए। आप क्या करें, आप पहले इंडेक्स को इससे स्वैप करें, क्या हो जाएगा, इस जगह 24 आ जाएगा, इस जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड नाउ यू डू द सेम फॉर दिस, क्या कर देंगे, 2 को इससे स्वैप करेंगे तो यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 1। You do the same thing for all. When you will reach here, what will happen? Yeah, but 23 aa chuka hoga and wait. 28. Kon mein aa gaya? Okay. The idea is very simple. Ki main aakhri variable ko main yahan rakha raha, main variable aur aap se pata kaam karte hain बेसिकली आइडिया बड़ा सिंपल सा है और वो ये कि इसको मुझे यहाँ रखवाना है, इसको मुझे यहाँ रखवाना है लेकिन उससे पहले इसको यहाँ, तो वो टी जो है वो आगे चलता जाएगा, मैं इसको इधर रखूंगा लेकिन उससे पहले ये इधर, इसको ये इधर रखूंगा और इसको इधर, इसको इधर रखने के लिए इसका ये मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन की, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे, ये काम आप तो ये दोनों मूव हो रहे होंगे, इतने अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर आप इसको अच्छा चलाना ना तो आप एक काम करें, सुने बात गौर से, ये पहले आप कर लें, ये आप कोड कर लें, अगर आप इसको अच्छा चलाना चाहते हैं तो पहले एक काम करें, और काम ये करें इसी पूरी पूरी इंस्टॉलेशन को थोड़ा ट्वीक करें, और ट्वीक ये करें कि इन तमाम के तमाम रेक्टेंगल्स को की पहले पोजीशन पर डैश रखें और बाकी तमाम के पश्चात सेकेंड रेक्टेंगल साथ ये करें, पहले पोजीशन पर डैश रखें, बात समझ कर रहे हैं, तीसरे में ये करें अंदर से पहले पोजीशन पर डैश रखें बाकी सब के पश्चात, और अब इस कैरेक्टर को रिम बाय रिम आप रोटेट करना शुरू करें। So this will look much better. Can anybody guess why? अब जब आप rotation करेंगे ना तो होगा ये कि वो जो hyphen है ना जो ऊपर वाला clockwise में एक hyphen u move होता जाएगा। तो it will feel like कि वो एक snake है जो कि ऊपर वाला u rotate कर रहा है, अंदर वाला u rotate कर रहा है, फिर अंदर वाला u rotate कर रहा है, बाहर वाला u rotate कर रहा है। लेकिन suppose अगर आपने character रखी होगी तो be careful set W नेम प्रिंटिंग आप लोगों ने क्यों नहीं किया? अच्छा नेम प्रिंटिंग आई होप सबको समझ में आ चुका है, कि नेम प्रिंटिंग का आइडिया क्या था, सुने बात गौर से। नेम प्रिंटिंग का आइडिया बड़ा सिंपल सा था कि फॉर एग्जांपल आपने कोई नंबर कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करना, लेट्स से मैंने एन प्रिंट करना, तो बेसिकली आप एन का एक सेंटर पास करें कि मैं इस जगह पे एन को प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है। इस फंक्शन जो कि एन आपने प्रिंट एन होगा, इसका नाम होगा प्रिंट एन। इसके अंदर ऑफ कोर्स इसका सी आर पास होगा और सी सी पास होगा। सी आर सी सी क्या चीज है? प्लीज
ये इसका सेंटर रो और सेंटर कॉलम, यानी रो का मतलब ये वाली रो और कॉलम का मतलब है मेरा, ठीक है बाबा? हां ऑफ प्लीज, ठीक है चलो। और साथ ही हमें एक और पैरामीटर भेजना पड़ेगा, इसका स्केल क्या है, और ऑफ कोर्स एक सिंबल भेजना पड़ेगा। सिंबल क्यों भेज रहे हैं बेटा? आपने बेसिकली फैक्टर्स डिजाइन करने कि ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे ना वो एस हो, और ये भी जो जो होंगे वो कितने होंगे, ये भी एस हो, और ये कितने होंगे, ये टू एस होंगे, ये कितने होंगे, ये भी टू एस हो। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये बिल्कुल वो डायगनल वाला आपने काम किया हुआ है, तो यहां पर आप कर सकते हैं। दोनों डायगनल के लिए ऑफ कोर्स में। एक सवाल मैंने और ऐड किया, जो असाइनमेंट है एक्चुअली उसका मुश्किल वर्जन हम करवा चुके हैं, और वो सिर्फ ये है कि आपने एक स्टार कैरेक्टर लेना, वो पहले यहां से इस पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर यहां से यहां तक प्रिंट करेगा, फिर यहां से यहां प्रिंट करेगा, फिर यहां से यहां प्रिंट करेगा, फिर यहां से यहां प्रिंट करेगा, फिर वो यहां से टर्न लेगा, और फिर वो यहां से यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, फिर क्या करेगा, ये रेक्टेंगुलर स्पाइरल बन, ठीक है। इसका ना हमने आपको बुक भी दे दी है, सब बुक का चैप्टर नंबर 7 है। तकरीबन तमाम के तमाम सवाल, सवालों की जो फंडामेंटल्स आपको मैंने क्लास में कराए हैं, नोट्स दिए, नोट्स बनाए हैं बच्चों ने, तो उसमें होता है कि टेक्स्ट में मसला आ रहा हो, उसको आराम से देखें, कॉपी पेस्ट मत करें, जो कॉपी पेस्ट किया आपने तो आपने ही तबाह ही, आपसे कोई सवाल नहीं, उस जो बुक है उसमें जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं उनके उनके जीरो मार्क्स, उससे आगे जो आपने करना है उनके 80 मार्क्स, ये याद है ना कि हम आपको बाउंड्री फाउंडेशन दे दी है, उसके सबमिट करवाने के कोई नंबर नहीं होता, तो उसको समझ के आप लिखे और खुद लिखे। अच्छा सर,